मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। समय पर सोना और समय पर जागना बहुत जरूरी है। समय पर सोने से हमारी नींद पूरी होती है और हमें अगले दिन के सारे काम समय पर पूरे करने के लिए सक्षम बनाती है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्लीप एंड वेक अप ऑन टाइम। Sleeping on time completes our sleep and makes us capable to complete all the work of the next day on time. सौरभ बहुत नटखट व शरारती बच्चा था। वह कभी थकता ही नहीं था। उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते, हमें समय पर सोना चाहिए, रात की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर सौरभ किसी की बात नहीं सुनता था। वह हमेशा रात में देर से सोता था। एक दिन सौरभ के माता पिता उसके नाना जी के घर गए। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। सौरभ के नाना ने उन्हें एक बिल्ली दी। वे बोले, यह बहुत मोटी व सुस्त है, तुम इस बिल्ली को ले जाओ, सौरभ जल्दी सोने लगेगा। फिर नाना जी ने उनके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। नाना जी की बात सुनकर सौरभ के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले आए। उस रात भी वही हुआ। जब माँ ने सौरभ से 10 बजे सोने को कहा तो उसने मना कर दिया। तभी माँ ने देखा बिल्ली धीरे से उठी और सौरभ के कमरे में चली गई। वह सौरभ के पलंग पर आराम से फैल कर सो गई। 2 घंटे बाद सौरभ सोने के लिए अपने कमरे में आया, पर यह क्या, वहाँ तो बिल्ली सोई थी। अब सौरभ क्या करे, वह चुपचाप बिल्ली के पास ही लेट गया। उस रात बिल्ली ने लाते मार मार कर सौरभ को जमीन पर गिरा दिया। वह फिर उठकर पलंग पर लेटा तो बिल्ली ने जोर जोर से खर्राटे लेने शुरू कर दिए। सौरभ पूरी रात सो नहीं पाया। अगली रात फिर वही हुआ। सौरभ फिर देर से अपने कमरे में पहुंचा। आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से सोई हुई थी। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की कोशिश करने लगा। अगली रात जैसे ही माँ ने सौरभ से सोने को कहा, वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। सोते सोते वह बड़बड़ा रहा था, बिल्ली मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। सौरभ को समय पर सोता देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। बिल्ली के आने से सचमुच सौरभ जल्दी सोने लगा था।